बागेश्वर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही ग्रामीणों को एलईडी के माध्यम से यात्रा का उद्देश्य बताने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिले के भयेड़ी सियुनी ग्राम सभा के साथ ही न्याय पंचायत वजूला में जनता को सरकार की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ऐसा है कि जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पहुँची हुई है, लोग यहाँ पर मतलब सभी विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और इस के मद्देनज़र जो है जो भी मतलब संबंधित सभी जानकारियाँ सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है और जनता यहाँ सियुनी की जनता भी। इस मौके पर विभागों के अधिकारियों ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं एलईडी के माध्यम से भी लोगों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है, इसमें गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो भी ग्रामवासी हैं गांव-गांव जाकर उनको विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सही तरीके से दी जाए तथा जो लोगों की समस्या है उसका निवारण स्थल पर किया जाए। तो जैसे कि मैं कृषि विभाग से हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो अभी हमारे विभाग की जो मुख्य योजनाएं हैं जैसे कि किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामीण स्थिति को देखते हुए इनके लिए जो आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं वैज्ञानिक विधि से, उसके बारे में इनमें जानकारी दी गई। जैसे कि चूंकि खुले खेतों में थोड़ी सी बारानी क्षेत्र है, थोड़ा जानवरों का आतंक है, तो मशरूम उत्पादन के लिए इनको प्रेरित किया गया काश्तकारों को और उसके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे केंद्र द्वारा हो सकती है उसके बारे में जानकारी दी गई। उसी प्रकार से पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन की खेती जो कम जगह में और कम पानी में और जानवरों से अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से की जा सकती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई और उसका भी प्रशिक्षण का जो पार्ट जो भाग कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। न्याय पंचायत वजूला में जनता को संबोधित करते हुए विधायक पार्वती दास ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है। मुख्य कार्यों को हमने जन जन तक पहुँचाना है क्योंकि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों तक जो लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमने अपने प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं वो सब ग्रामीणों के बीच में पहुंचाना है और इनको उनको लाभ मिले। हमने सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुला रखा है, सारे अधिकारी उपस्थित हैं और उनको उनकी जानकारी मिल चुकी है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।